सोमवार से शनिवार तक कराते हैं। सोमवार से शनिवार तक लेते ही हैं या कुछ कराते भी हैं? बच्चे लोग अपना नाम नहीं लिख पा रहे हैं, भूल जाता है सर, सीखता है भूल जाता है। आप तो पूर्ण कालिक टीचर समय पार कर रहे हैं, समय पार कर रहे हैं। समय पास क्या करेंगे सर, आते हैं दिखाते हैं कुछ बच्चा भूल जाता है। हाँ भूल जाता है अपना नाम भी, वो तो सबसे ज्यादा पर्सनल चीज होता है, सबसे पहली चीज वही सीखता है अपना नाम लिखना। अपना नाम नहीं सर, बहुत से लेकर यूरल वर्ल्ड तक सीखेगा तब अपना नाम सीखेगा। नहीं सिखा पा रहे हैं क्या? हाँ सिखा रहे हैं। ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप, नहीं सिखा पा रहे हैं? किस लिए आप फिर सिखा रहे हैं? कितना वेतन मिलता है? सिखा रहे हैं। कितना वेतन मिलता है? तो पहले नाम ही लिखा आ जाएगा, फिर पहले वो से यूरल वर्ल्ड तक। अरे कौन सिखाएगा उसको? हम ये तो कल ज्वाइन किया है क्या क्लास? अभी तो बोला है कल ज्वाइन किया क्लास। चाहे मैंने लिखा, ये इन्होंने नहीं लिखा, जरा देखिए क्या लिखा है बेबी, पढ़िए। बोला है आप लिख रहे थे तो बोला है। बच्चा अगर अपना नाम तक नहीं लिख पाए वो क्या आगे चलेगा? चौथा का अगर ठीक है सीख लिया उसी क्लास में ना, आप जोड़ना भी सिखाते हैं, शब्दों को बताना भी सिखाते हैं, चौथा का ही सीखते रहेंगे लास्ट तक। आप भी बस ध्यान दीजिए ना, प्रभारी होने का मतलब ये नहीं कि आप जाकर बैठेंगे। राजू का क्या नाम है? काजल ना, आरती। आरती को कुछ आप दिए? कब दिए? 26 फरवरी मिला था। 26 फरवरी को शिक्षक विदाई समारोह था, विदाई समारोह था टीचर का सर, दिवस विदाई समारोह तो आरती को कहाँ से प्रेरणा मिली? बढ़िया। कैसे यहाँ से बच्चे बताइए, बच्चे एक एक वर्ग है जो नाम नहीं लिख पा रहा है और एक बच्ची है जो डॉक्टर नहीं है, तो इतना विसंगति अगर है, डिफरेंस है, यानी कि इसको कौन ब्रिज करेगा? ये शिक्षकों का ही काम है ना, शिक्षकों का काम है, किसी और को तो आदमी करना नहीं। अरे बच्चों का भविष्य सोचिए, हम लोग का समय गया, अब प्रतिदिन इन लोगों का कॉम्पिटिशन उन लोगों से है, उन बच्चों से है जो तीसरी कक्षा में संस्कृत पढ़ रहे हैं और यहाँ पे तीसरी चौथी तक नाम लिखना सीख रहा है, यहाँ कोई कंपैरिजन होगा? कैसे बराबरी करेंगे? टीचर कम है सर, सही बात, टीचर कम है। प्राइवेट स्कूल में कितना टीचर होता है बताओ? जी सर, प्राइवेट स्कूल के टीचर को आपसे कम सैलरी मिलती है। प्राइवेट स्कूल का टीचर, स्कूल में कोई भी खाने पीने की कोई फ्री व्यवस्था नहीं है, कोई कपड़े के लिए पैसा नहीं मिलता है, कोई किताबें निःशुल्क नहीं मिलती है, बैठने के लिए इतना बड़ा रूम नहीं रहता, उसके बावजूद भी डिसिप्लिन में लोग बच्चे स्कूल में आते हैं, प्रतिदिन वहाँ पर प्रेयर होती है, सारे बच्चे ड्रेस में रहते हैं और कोई एब्सेंट नहीं होता है। दूसरा कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम है ना, प्राइवेट स्कूल में टीचर को 6,000 और 5,000 मिलता है और ड्यूटी जो है वो थ्रू आउट नॉन स्टॉप करता है, ये नहीं बोल सकता कि हम नहीं पढ़ाते, ये सीखेगा बढ़ेगा, हर चीज़ का एक वो होता है। इतनी सुविधा देने के बाद भी सरकारी स्कूल में अगर बच्चे ना पढ़े तो हम लोग पे लाना था कि हम लोग इसको नहीं कर पा पाते। पुनः बता रहा हूँ कि टीचर प्राइवेट स्कूल से आपके यहाँ कम नहीं है, 2 कमरे के स्कूल में प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं, सारे बच्चे ड्रेस में आते हैं, हमारे बच्चे यहाँ से नाम कटाते जा रहे हैं प्राइवेट, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। गरीब परिवारों के बच्चे हैं, फीस भी नहीं दे पाता हूँ मैं। बेंच डेस्क के लिए आपके पास क्यों पैसा नहीं है? विकास निधि में तो रहता है पैसा, बताइए। कोई विद्यालय 1 साल पुराना थोड़ी है, बता रहे सबसे ओल्डेस्ट स्कूल है जी, यहाँ पे अब तक क्यों नहीं है? 1 साल से बंद, उससे पहले क्या हो रहा था? बेंच डेस्क तो लिया ही जा सकता, कोई मना ही है क्या लेने? तो फिर इतना बड़ा आपका स्कूल है, 400 बच्चियां यहाँ एनरोल्ड है,
आपको अगर राशि दी जाए खरीद लीजिएगा, राशि दी जाए तो बेंच डेस्क खरीद लीजिएगा। तो 14 मार्क्स से 20 बेंच डेस्क मिला था, राशि दी जाए बेंच डेस्क ले लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। खरीद लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? बच्चे के पहले कार्यक्रम डैमेज होता है, बिल्डिंग तो ये ज़्यादा बेटर है कि भैया शौचालय बना दिए आपने, बाद में बना लेते हैं पानी का, आपका शौचालय के बाद बना होगा। क्या ये बैठिए बैठिए, हम लोग पूछेंगे कौन जवाब दिए फिर पूछेंगे क्या चीज है, चले गए। आपको जो है ना इनसे अच्छा कोई दूसरा नहीं देगा जी, सर से अच्छा कोई दूसरा नहीं देगा भाई, ना आप ही बोल दीजिए ना दूल्हे जो प्रोग्राम जो आज क्या नाम हुआ, आज का क्या नाम हुआ, मेरा नाम हुआ डॉक्टर देवनंदन पासवान, हम DIO खगड़िया है। आज जो प्रोग्राम हो रहा है क्या चीज का प्रोग्राम हो रहा है? आज हो रहा है कोरोना वैक्सीनेशन के छठा फेज है जी, छठा फेज में 12 से 14 साल के बच्चा को दिया जाएगा, उसके लिए वैक्सीन सप्लाई आज हो गया है और विधिवत उद्घाटन जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा कर दिया गया है और इस स्कूल का उद्घाटन हुआ है जिसमें अभी तक 50 आदमी के इंजेक्शन पड़ा है और टारगेट करीब खगड़िया जिला का 90,000 के आसपास है और इसके पूर्व जो है सो 15 से 18, उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर और 60+ सबका इंजेक्शन जो प्रिकॉशन डोज में पड़ रहा था, अब 60+ में पहले था को मॉर्बिड यानी कि जो बीमार है उसको दिया जाएगा, लेकिन आज से डिक्लेयर हो गया कि मैं 60+ ऊपर जितना भी आदमी है उसको भी प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। प्रिकॉशन डोज 9 महीना पर लगता है, प्रिकॉशन डोज 9 महीना पर लगता है और आज जो है सो नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, इसी के उपलक्ष में आज भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके तहत खगड़िया में भी आज इसका शुभारंभ किया गया है। अभी तक कितना बच्चा पड़ गया? अभी तक 40 50 बच्चा जो पड़ चुका है और चूँकि पोर्टल जो है पोर्टल अभी लॉन्च नहीं हो पा रहा है, ऑफलाइन ही किया जा रहा है डाटा, इसलिए कोशिश हम लोग का है स्टेट से डायरेक्शन है एक जो है उद्घाटन कराकर शुरुआत कर लिया है। जिसका उद्घाटन कौन किए? उसका उद्घाटन जिला पदाधिकारी फोटो लिए है ना, फोटो लिए हैं किसका?